हेलो गाइस, तो आज आने वाला है हमारा T20 वर्ल्ड कप का और एक एपिसोड। और आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दोनों की टीम लाइनअप आप देख सकते हो और ये टॉस का समय। देखते हैं पाकिस्तान ने टॉस जीता रियल लाइफ की तरह और इसमें करेंगे पहले बैटिंग। वो देखते हैं अर्शदीप कैसा डालते है पहली बॉल। अच्छी बॉल थी और बाबर आजम ने चौका मार दिया पहले बॉल पे। रियल लाइफ में तो बढ़िया बॉलिंग की थी भाई, व्हाट अ बॉलिंग, क्या डिफेंड किया था लो चेस। और नेक्स्ट बॉल इधर फिर से छक्का मार दिया। बाबर आजम बढ़िया फॉर्म में लग रहे तीन बॉलों में। देखते हैं ये बॉल क्या होता है, स्लोवर बाउंसर ट्राई कर रहे हैं। अच्छी बॉल और क्या कमबैक किया हर्षदीप ने। अच्छी स्लोवर बॉल थी, पढ़ नहीं पाए, टाइम कर नहीं पाए, एच लगा डायरेक्ट स्टंप्स पे। और उस्मान खान आए, अर्शदीप ने बढ़िया बॉल तो की थी। नेक्स्ट बॉल अच्छी आउट स्विंगिंग बॉल थी, सिंगल ले लिया। देखते हैं रिजवान की पहले बॉल पे कैसा खेलते हैं वो। अच्छी बॉल, बढ़िया गैप पे बैक फुट पंच मारा और चौका मिल जाएगा, अच्छा शॉट। और हार्दिक पांड्या है, देखते हैं हार्दिक पांड्या की पहली बॉल। अच्छी बॉल गैप पे मार दिया है, चौका मिलेगा नहीं, बचा लिया, बढ़िया सेव जडेजा का, दो रन ही मिलेंगे। और गाइस आपको क्या लगता है ये गेम में क्या हम जीत पाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट। रियल लाइफ में तो जीत गए थे और बढ़िया प्लेसमेंट किए, चौका फिर से मिल गया। देखते हैं क्या कमबैक हो पाएगा हार्दिक का। स्लो ओवर बाउंसर, इस बार डॉट होगा। देखते हैं नेक्स्ट बॉल, अच्छी बॉल थी, सिंगल मिल जाएगा, डबल की कोशिश होगी, डबल भी मिल गया। पांच बॉलों में आठ रन ही आए। आखिरी बॉल, अच्छी बॉल, ओ बच गए भाई, जडेजा को बॉलिंग दे रहे। रिजवान ने एक ही बॉल के लिए चार रन मारे उस पर और दूसरी बॉल पे छक्का मार सकते और लग जाएगा। बढ़िया शॉट खेला पीछे रिजवान ने। क्या जडेजा कमबैक कर पाएंगे। आगे बॉल डाली, गुड लेंथ बॉल थी, सिंगल ले लेंगे। नेक्स्ट बॉल जडेजा की, अच्छी बॉलर, क्या विराट ने कैच पकड़ा है भाई, व्हाट अ कैच भाई, क्या बॉल थी और क्या कैच था, बॉल अच्छी थी, एज लगा और क्या डाइविंग कैच था। और शादाब खान है भाई, विराट कोहली ने बढ़िया कैच पकड़ा। देखते हैं नेक्स्ट बॉल, शॉट लगाने गए, गैप पे तो गए, दो रन मिल सकता है और एक ही मिला, अच्छी फील्डिंग। लगता है रिजवान को शाइक देनी इसलिए भागे नहीं। नेक्स्ट बॉल अच्छा खेला और चौका मिल जाएगा, 12 रन आए और एक विकेट। आखिरी बॉल पे देखते क्या होता, अच्छी बॉल भाई बच गए। देखते सिराज आए सेकेंड लास्ट ओवर डालने। नेक्स्ट बॉल अच्छी बॉल, बढ़िया ऑफ साइड पे चौका मार दिया भाई। पाकिस्तान की स्टार्ट अच्छी चल रही है, 39 पे दो है। नेक्स्ट बॉल, ओरे भाई खराब बॉल और बढ़िया चौका, अच्छा कट शॉट मारा। देखते स्लोवर यॉर्कर ट्राई करते, अच्छी बॉल और क्लीन बोल्ड भाई, अच्छा कमबैक, अच्छी स्लोवर यॉर्कर थी और एज लगा रहा आउट। और इमाद वसीम आए भाई, फकर जमान ऐड नहीं हो पाए गेम में क्योंकि पता नहीं क्यों स्क्वाड में थे नहीं वो, नहीं तो फकर जमान आते नंबर तीन पे। ये बॉल एज लगा भाई, एज का चौका मिल सकता है, बुमराह चेस कर रहे हैं लेकिन बॉल जीत जाएंगे। और बुम बुम बुमराह है भाई, भाई रियल लाइफ में तो बहुत ही शानदार स्पेल डाला था बुमराह ने। देखते गेम में कैसा करते, स्लोवर यॉर्कर और खा लेंगे चौका लग रहा है, क्या फील्डर बचा पाएंगे, नहीं चौका होगा भाई। रिजवान अच्छा खेल रहे, 6 बॉल पे 19 रन पे। नेक्स्ट बॉल सीधा मारा प्लेयर है, क्या गैप से चला जाएगा और चला गया भाई। भाई देखते बुमराह क्या करते है भाई, दो बॉल दो चौके मार दिए रिजवान ने। क्या होता है तीसरे बॉल पे, अच्छे बॉल और क्लीन बोल्ड भाई, व्हाट अ विकेट भाई, बॉल बढ़िया थी, मारने गए मिस हुआ और डायरेक्ट आउट भाई, व्हाट अ बॉल। और सेम है भाई, भाई रियल लाइफ में भी रिजवान को बुमराह ने आउट किया था और वो ही मैच टर्निंग पॉइंट था। और इधर भी, और नेक्स्ट बॉल यॉर्कर सिंगल मिल जाएगा और हाईएस्ट विकेट टेकर भी है। देखते सेकंड लास्ट बॉल, अच्छी बॉल, प्लेयर है वहां पे, चौका बचाना चाहिए सूर्य कुमार यादव और बचा लिया है भाई, पिछले मैच में भी चौका बचाया था और सिंगल ही मिला। देखते आखिरी बॉल इनिंग्स का, आखिरी बॉल स्लोवर बाउंसर थी, सिंगल ही चुरा पाएंगे। और पाकिस्तान ने 59 रन बनाए और ओपनिंग के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा और उनके लिए शाइन अफरीदी भाई, बढ़िया मैच हो गई है। क्या पाकिस्तान के बॉलर्स इंडिया को रोक पाएंगे।
देखते हैं रोहित शर्मा की पहली बॉल अच्छी बॉल, देखते हैं रोहित दूसरी बॉल कैसा खेलते हैं। अच्छी बॉल इन स्विंगिंग बॉल थी, सिंगल चुरा लेंगे, डबल की कोशिश हो गई और डबल भी चुरा लिए। नेक्स्ट बॉल भाई क्या बैक फुट पंच मारा ऑफ साइड और चौका, बॉल अच्छी थी लेकिन शॉट उससे अच्छा था और फील्ड चेंज कर दिए। देखते हैं नेक्स्ट बॉल, इस बार पुल शॉट खेलेंगे और फिर से चौका भाई, खराब फील्डिंग रखी है, बढ़िया पुल शॉट। देखते हैं आखिरी बॉल, 10 रन आ गए ओवर में, आखिरी बॉल अच्छी बॉल, सिंगल नहीं मिलेगा भाई, बढ़िया ओवर दी और नसीम शाह है रियल लाइफ में बढ़िया बॉलिंग की थी और विराट कोहली की भी विकेट ली थी। देखते गेम में क्या होता है भाई, पहले बॉल पे कवर ड्राइव तो मारी है, 2 रन ले लेंगे विराट कोहली, अच्छी बॉल लेकिन बढ़िया शॉट और चौका खा लेंगे नसीम शाह। देखते विराट नेक्स्ट बॉल कैसा खेलते, अच्छी बॉल टाइम हुआ नहीं, सिंगल चोरी करने गए लेकिन बच जाएंगे भाई, मुझे लगा आउट हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको अभी तक वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट बॉल खराब बॉल थी और बढ़िया छक्का मार देंगे, नहीं चौका मिलेगा, बढ़िया खेल रहे रोहित और हैरी श्रॉफ आए और इंडिया को चाहिए 3 ओवर में 39 रन, क्या इंडिया कर पाएगी। विराट कोहली के फेवरेट बॉलर हैरी श्रॉफ और सिंगल ले लेंगे विराट, देखते रोहित कैसा खेलते हैं हैरी श्रॉफ को, इम्पोर्टेंट ओवर है, बढ़िया शॉट पुल शॉट प्लेयर है वहां पे लेकिन चौका बचा लिया है, सिंगल ही मिलेगा भाई, क्या थ्रो था, थ्रो भी बढ़िया था, अच्छी फील्डिंग रखी है बाबर आजम ने। देखते विराट कैसा खेलते, खराब बॉल टाइम हुआ नहीं, सिंगल चोरी करने गए और मिल जाएगा भाई, टाइमिंग हो नहीं रही पता नहीं क्यों मेरे से, 15 बॉल में 36 रन चाहिए भाई, बहुत बड़ा स्कोर है ये, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बढ़िया खेले और चौका मिल जाएगा इस बार। नेक्स्ट बॉल बढ़िया शॉट प्लेयर है वहां पे लेकिन छक्का चला जाएगा भाई रोहित शर्मा, भाई शॉट बढ़िया था भाई, 2 बॉलों में 10 रन आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट 10 रन है ये और अभी सिर्फ 26 चाहिए और बढ़िया फिर से शॉट लगाने की प्लेयर के साइड से और चौका भाई, बढ़िया ओवर गए इंडिया के लिए, बाउंसर दी थी हैरी श्रॉफ ने क्योंकि प्लेयर था उधर लेकिन उसके साइड से चौका और शादाब खान आए, देखते स्पिनर आए, 2 ओवर में 22 चाहिए अभी भी। नेक्स्ट बॉल विराट कोहली ने इस बार छक्का मार दिया क्योंकि उनको पता है लास्ट ओवर मोहम्मद आमिर डालेंगे भाई, बढ़िया शॉट भाई, वन साइडेड मैच हो सकता है लेकिन अभी भी 16 रन बाकी है। नेक्स्ट बॉल इस बार लेग साइड पे खेला और चौका मिल जाएगा, खराब बॉल, देखते हैं नेक्स्ट बॉल विराट कोहली कैसा खेलते, ओ बच गए भाई, क्या बचे भाई, थोड़ी फास्ट बॉल डाल दी थी शादाब खान ने भाई, 2 डॉट बॉल हो गए, 8 बॉलों में 12 चाहिए, 1 बाउंड्री मिलेगी तो भी बहुत है इंडिया के लिए अभी और बाउंड्री मिल जाएगी भाई, विराट कोहली ने बढ़िया शॉट मार दिया है और विराट और रोहित की 50 की पार्टनरशिप भाई, बढ़िया खेल रहे दोनों भाई, सिर्फ 8 रन बाकी है, ये बॉल पे बाउंड्री आए तो खत्म है पाकिस्तान के लिए मैच। देखते क्या होता है, कवर ड्राइव मारी, सिंगल चोरी करने गए और मिल जाएगा सिंगल और मोहम्मद आमिर आए, देखते है भाई इंडिया को चाहिए 7 रन, उनको करने 7 रन डिफेंड, क्या होता है देखते, पहली बॉल सिंगल चोरी करने के डायरेक्ट हिट लगता तो कुछ और नतीजा हो सकता था। नेक्स्ट बॉल शॉट लगाने तो गए फील्डर है उधर और उसके ऊपर से चौका भाई, भाई बॉल गुड लेंथ की थी, शॉट लगाया और चौका मिल गया भाई, रोहित बढ़िया खेले भाई, अभी तो सिर्फ 2 रन चाहिए, यार करती अच्छी बॉल एच लगा, सिंगल चोरी करने गए लेकिन विराट आउट हो जाएंगे भाई, भाई मैंने क्यों रन लेने गया पता नहीं, मेरी गलती सॉरी माफ करो। और ऋषभ पंत आए भाई, 3 बॉलों में 2 रन चाहिए, क्या कहानी में ट्विस्ट है, देखते ऋषभ पंत कैसा करते, पहली बॉल पे मार दिया, बाउंड्री मिल सकती है और इसी के साथ ही इंडिया जीत गई और एक मैच पाकिस्तान के सामने और मैन ऑफ द मैच बन गए रोहित शर्मा द कैप्टन भाई। कनाडा वर्सेस यूएसए में देखते हैं कौन जीतता है, कनाडा 2 रन से वाओ और हमारी नेक्स्ट मैच होने वाली इंडिया वर्सेस यूएसए और पॉइंट्स टेबल में हम पहले रैंक पे ही है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वीडियो जरूर देखना, मैं मिलता हूँ वहां पर ही।